नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुपर आइडियाज पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको धनतेरस की पूजा कैसे करनी है, इसके अलावा क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है। वो वीडियो भी हम ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं, दिवाली के लिए भी वीडियो चैनल पर आ चुकी है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरा मंदिर है यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं मेरा मंदिर यहाँ पर है, और इस मंदिर के साथ ही मैं यहाँ पर जो है स्थापित करने वाली हूँ धनतेरस की पूजा के लिए। तो सबसे पहले आप इस तरीके से कटोरी में जल लेंगे, उसमें मैंने गंगा जल डाल दिया है, और एक फूल की मदद से, फूल नहीं है तो धूप की मदद से आप इसको पूरे ऐसे छिड़काव कर देंगे पूरे मंदिर में, और इस स्थान को भी आप ऐसे शुद्ध कर लीजिए। इसके साथ साथ सारी सामग्री जो भी आपने रखी है वो आप इससे शुद्ध कर लेंगे। इसके बाद ये लाल कपड़ा, अगर आप जो है इसके ऊपर पाटा भी रखने वाले हैं तो आप नीचे कुछ रंगोली बना दीजिए उसके ऊपर पाटा, और फिर आप रखें। तो मैं यहाँ पर, वैसे ये लकड़ी का है तो मैं पाटा यूज नहीं करने वाली हूँ, तो मैं अब इसको यहाँ पर रख देने वाली हूँ। इस लाल कपड़े को कभी भी कोरा यूज नहीं करते हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा तिलक लगा देती हूँ, हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम यहाँ पर हम तिलक लगा देते हैं। इसके बाद मैं, आप हल्का सा बस उस पर आप छोड़ दीजिए, तिलक लगा दिया। अब उसके बाद आपको धन्वंतरी देव चाहिए, धन्वंतरी देव हो आपके पास, या तो कुबेर की आपके पास तस्वीर है या धन्वंतरी देव की आपके पास तस्वीर, आपको धन्वंतरी देव चाहिए, या फिर नहीं है तो कुबेर यंत्र आपके पास हो, वो भी नहीं है तो विष्णु देव की तस्वीर हो। अगर वो भी नहीं है तो आपको करना क्या है, आप या तो जो है सुपारी, सुपारी पे आप जो है लाल धागा बांधेंगे, लाल धागा यानी कि ये वाला धागा आप इस पे बांध के इसको धन्वंतरी के रूप में बिठा सकते हैं, या फिर आपके पास जो भी ज्वेलरी बॉक्स होगा इस तरीके का, जिसमें भी आपने ज्वेलरी बॉक्स में ज्वेलरी रखी होगी, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाया है, तो उसको भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर इस तरीके के आपके घर में चांदी के सिक्के होते हैं तो ये आप 3-5 इस तरीके से आप जो है ये ले सकते हैं। तो मेरे पास ये 3 है, तो मैं इन तीनों को यहाँ पर धन्वंतरी के रूप में यहाँ पर मैं इनको सेटअप कर रही हूँ, ये तीनों को मैंने यहाँ पर रख दिया है, तो ये मेरे लिए धन्वंतरी देव हैं। तो अब हम यहाँ पर तिलक लगा देते हैं, इसी तरीके से ये भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ये ज्वेलरी बॉक्स है, ज्वेलरी बॉक्स को आपको साइड में रखना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए चावल, तो यहाँ पर भी हम थोड़े से चावल चढ़ा देते हैं, और यहाँ पर मैंने ये चावल थोड़ा सा बिखेर लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे रखा ये बॉक्स, इसको भी हम जो है तिलक करेंगे, इस पर हम बेसिकली सतिया बनाने वाले हैं, स्वास्तिक का निशान जो आप बोलते हैं। ये इस तरीके से आप स्वास्तिक का निशान जो है वो बना देंगे, और थोड़ी सी हल्दी, और ये चारों यहाँ पर बॉक्स में लगा देंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर स्वास्तिक का निशान हमने यहाँ पर बना दिया है। अब हमारे पास है हमारे गणेश जी और हमारी लक्ष्मी माँ, तो इन दोनों को हम यहाँ पे स्थापित करेंगे। लक्ष्मी जी के दाहिने हाथ पे इस तरीके से ये मूर्तियां स्थापित होंगी। तो सबसे पहले मेरे पास ये है, मैं इनको तिलक लगा लेती हूँ। हल्दी, चंदन, कुमकुम, जो भी आप तिलक लगाते हैं वो मैंने यहाँ पर लगा लिया है। सेम वे में हम गणेश जी को भी तिलक लगा लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में सेटअप करने से मूर्तियां छोटी हैं तो गिरने का भय रहता है। अगर आपके पास मोटी बड़ी मूर्तियां हैं तो वो आप बाद में भी लगा सकते हैं, मैं पहले लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैं इनको स्थापित कर लेती हूँ। तो चावल रखेंगे हम थोड़ा सा, और यहाँ पर मैंने रख दिया गणेश जी को। गणेश जी को हम इस तरीके का जनेऊ धारण करवाने वाले हैं, तो ये जनेऊ आप इन पे चढ़ा सकते हैं। ये मैंने, आप इसके गले में भी डाल सकते हैं, मैंने इसलिए डाला क्योंकि मुझे ये माला भी पहनानी है, तो ये मैंने गणेश जी को माला भी पहना दी है। अब माता लक्ष्मी को अगर आपके पास है तो कपड़े आप पहना सकते हैं, या फिर ये लाल धागा आप इसी तरीके से पहना सकते हैं। तो मेरे पास कपड़े हैं, मैं ये कपड़े इनको पहनाने वाली हूँ, ये कपड़े।
ये इस तरीके से आते हैं। इनको भी मैं ये माला पहनाने वाली हूँ। ये हो गए हैं, अब मैं इनको ये इधर आएंगे। मैंने इन दोनों को यहाँ पर बैठा दिया है। अब आप इन पे फूल चढ़ा सकते हैं। फूल जो आप चढ़ाएंगे, फूल पत्तियाँ चढ़ा सकते हैं। फूल की पत्ती आप यहाँ पर चढ़ा देंगे। जब आप शाम को पूजा करेंगे तो कोई भी फूल आप चढ़ा सकते हैं। माता को लाल गुलाब के फूल पसंद है तो वो आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा धन्वंतरी देव है तो धन्वंतरी देव के लिए हम ये 13 औषधियाँ मैंने जो आपको बताई थी, क्योंकि धन्वंतरी को औषधि के देवता भी माना जाता है, तो यहाँ पर मैंने लिया है कढ़ी पत्ता, एलोवेरा, तुलसी, सुपारी, बड़ी इलायची, नींबू, तेजपत्ता, हल्दी की गांठ, इलायची, लौंग, काली मिर्च, जावित्री और दालचीनी। ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं जो मैं धन्वंतरी देव के लिए यहाँ पर रखने वाली हूँ। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, कि आपको कुबेर यंत्र स्थापित करना है। अगर आपके घर पर कुबेर यंत्र है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम कुबेर यंत्र को यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो आप चाहे तो चावल के आटे से, या फिर आपके पास रंगोली कलर है उससे, या फिर हमारे घर में जो गेहूं का आटा होता है इससे भी हम बना सकते हैं। तो वो हम बनाएंगे अभी। इस तरीके की आप पहले ये 9 बना लीजिए और उसके बीच में आपको लिखने हैं नंबर, वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से हमने यहाँ पर बना दिया है धन्वंतरी यंत्र। अगर आप बना पाए, थोड़ा एरिया बड़ा है तो आप आटे से लिख ले, मैंने यहाँ पे सिंदूर से लिख दिया है। तो ये बन गया है हमारा कुबेर यंत्र। अब इसमें हमें 1 रुपए के सिक्के चाहिए, 9 सिक्के चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, परफेक्ट 9 सिक्के। सब पे तिलक लगाएंगे। हल्दी का तिलक भी लगा देंगे। ये 9 सिक्के मुझे इस पे रखने हैं। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए कि आपको क्या लिखना है। 27, 20, 25, 22, 24, 26, 23, 28, 21। अब यहाँ पे हम रखेंगे 1-1 रुपए का सिक्का। जब आप शाम को इसकी पूजा करेंगे तो इस पे आप फूल चढ़ाएंगे और फिर से आप शाम को इस पे तिलक लगा देंगे। अब आपको 2 लगाने हैं तेल के लिए। तो तेल के लिए इस तरीके के छोटे, वो मैं एक यहाँ पर लगा दूंगी और एक यहाँ पर लगा दूंगी कुबेर यंत्र के लिए। इस तरह से मुंह कर दीजिएगा इनका। और एक लगाएंगे हम घी का दीपक। तो घी का दीपक इस तरीके का, वो हमें यहाँ पर लगाना है। इसके अलावा जो ये औषधियाँ थी वो हमने यहाँ पर चढ़ा दी हैं। आप इसको यहाँ साइड में रख लीजिए। औषधि यहाँ पर हमने दिखा दी है और थोड़ा सा हम इसमें यहाँ पर चावल भी डाल देते हैं, क्योंकि चावल अपने यहाँ शुभ माना जाता है, अक्षत हम जिसको बोलते हैं। तो ये यहाँ पर हमने कर दिया है। शाम को जब हम पूजा करेंगे, ये भी हमने सेटअप कर दिया है। शाम को जब हम पूजा करेंगे, रात को जब हमें दीपक दान करना है, वो वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। पान का पत्ता है इसमें, आप इलायची, इसमें आप 1 रुपया, इसमें कौड़ी, इस तरीके की सारी चीज़ आप इसमें रख के और इस तरीके का पाउच आप बना के और यहाँ पर भेंट कर देंगे। अब है कि हमें दीप दान करते हैं शाम को। मैंने आपको बताया था कि आप 13 छोटे दिए जला सकते हैं। ये वाले जो छोटे दिए हैं वो 13 आप जलाएंगे किचन में, अपने पितरों के पास, कुल देवता के पास, एक मंदिर में, बाहर, इस तरीके से आपको 13 दिए जलाने हैं। और ये दिया जो बड़ा दिया है, ये बोला जाता है कि ये धनतेरस पर आपका सुबह तक जलना चाहिए। तो ये दिया आपका सुबह तक जलना चाहिए। इसको आपको ये तेल का दिया जलाना है। इसमें आप रखेंगे 1 कौड़ी। कोड़ी अगर ऐसी छेद की हुई है तो शुभ मानी जाती है, तो वो आप कोड़ी रखेंगे। इसके अलावा इसमें आप रखेंगे 1 रुपया
और इसके अलावा आप इसमें कपूर और आप इसको जला देंगे दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके इसका जलाना है। इसका पर्पज होता है कि आप ये दीपक यमराज को दान कर रहे हैं कि आपके घर पर सुख समृद्धि रहे और आपके घर पर कोई भी अकाल मृत्यु ना आए, तो उसके लिए हम ये दीप को दान करते हैं। तो ये पूजा है जो हम करते हैं अपने धन्वंतरि देव के लिए यानी कि धनतेरस दिन पर, तो ये पूजा बेसिकली की जाती है। इसके अलावा जो है आप चढ़ाएंगे जैसे कि फ्रूट्स हो गए, तो फ्रूट आप लेंगे, फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, वो आप रखेंगे यहाँ पर। और इसके अलावा स्वीट्स हैं, मिठाई है, जो भी आपने मिठाई बनाई होगी, या सफ़ेद रंग की मिठाई या पीले रंग की मिठाई, वो आप मिठाई जो है वो भी आप यहाँ पर उनको समर्पित करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी होती हैं धनतेरस की पूजा के लिए। शाम को आपको हम फिर से मिलेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि दीप दान कैसे किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों धनतेरस पर क्या चीजें शुभ मानी जाती है लानी और क्या चीजें घर पर नहीं लानी चाहिए, ऐसी वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो आज के दिन आप ये सुबह सेटअप करेंगे, फिर उसके बाद आप जाएंगे मार्केट में, मार्केट से आप सोना चांदी बर्तन ये सब चीजें खरीद सकते हैं। इसके अलावा झाड़ू जरूर खरीद के लाएं जिसकी आप दिवाली वाले दिन भी पूजा करते हैं और उसके बाद उसको लगाना शुरू करते हैं। साबुत धनिया इस दिन माना जाता है कि वो धनिया आप खरीद के लाएं और अपने दिवाली तक उसकी पूजा करें, उसके बाद आप उसको अपने क्यारी में अपने बगीचे में आप उसको बो दें। जैसी उसकी फसल उगती है ये माना जाता है कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है साल की वैसी ही बनी रहने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जो लोग नए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।